हेलो बोल कन्हैया राजा रामचंद्र भगवान गणपति वाली माता रेणुका माता पंच परमेश्वर के आदेश अनुसार हेलो हेलो जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं श्रृंगार रस से ओतप्रोत कथाएं, तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सुसज्जित यह एक श्रृंगार रस की कथा आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। वैसे तो कन्हैया अनेकों बार राधा जी से मिलने का प्रयत्न करते हैं, जब कभी मुलाकात ना हो पाए तो अनेक प्रकार के स्वांग रचते हैं कि कैसे भी राधा जी से मिलन हो पाए। तो आज कन्हैया राधा जी से मिलने जाने के लिए मनिहारी का रूप धरते हैं, और मनिहारी का रूप धरा तो मिलना राधा जी से है तो नारी बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुरुष होते तो स्त्रियों की ओर जा नहीं पाते, चूड़ी लेकर जा नहीं पाते। आज नारी का वेश धरते हैं, अनेकों श्रृंगार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। यही कथा आप भजन के माध्यम से सुनेंगे। समय का जी नर से बने हैं नार, मनिहारी का रूप बनाया कर सोला माथे पे बिंदिया, हाथों में चूड़िया और चुनरिया ला, और राधा की गलियों में पहुंचे मोहन मदन गोपाल। तो आज कन्हैया 16 श्रृंगार करके मनिहारी का रूप धर के किस प्रकार से जाते हैं, तो कन्हैया
तो आज कन्हैया 16 श्रृंगार करते हैं, राधा जी से मिलने जाना है। अरे करे लीना सो और अरे बन गए काना सुंदर और नरी से बन गए सुंदर ना। और बिल्कुल भैया नारियों का श्रृंगार करते हुए कैसे कैसे अरे लाल चुनरिया मल मल और साथ में लहंगा चुनरिया मल मल क्या हुआ? क्योंकि भैया वहां अगर पकड़े गए ना तो बड़ी बदनामी होगी कि कन्हैया नारी बनकर आए थे, इसलिए ऐसा श्रृंगार किया भगवान श्री कृष्ण ने। कैसा कैसा और कर ली रास 16 सिंगार और बन गए काना है मनिहार और नारी से बन गए सुंदर ना। और आज अरे लहंगा चुनरिया मल मल लहंगा चुनरिया मल मल लहंगा चुनरिया मल मल लहंगा चुनरिया मल मल। कहा जाता है भैया जितनी भी लीलाएं हुई भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि हर काज के लिए भगवान श्री हरि ने अनेक लीलाओं का वाचन किया। तो आज मनिहारी का भी रूप धरे हैं भगवान श्याम सुंदर। कैसे अरे लहंगा चुनरिया अरे लहंगा चुनरिया मल मल का लहंगा चुनरिया मल मल का। और राधा की गलियों में जहाँ राधा जी रहती थी आज वहीं आकर कन्हैया आवाज लगाने लगे। कैसे और आज राधा की गलियों में जाकर आवाज लगाते हैं कैसे कन्हैया। और भैया परम सम्मानी महेश जी मर्सकोले साहब इनकी ओर से 101
एक रुपए अक्षांशु ऑटो पार्ट्स धप्पा इनकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तो आज कन्हैया पहले तो एक सखी को चूड़ी पहनाते हैं। कैसे? और धीरे से कान्हा ने पकड़ी कलाई, बिल्कुल भैया तरोताजा धुन। धीरे से कान्हा ने पकड़ी कलाई, पकड़ी कलाई, और राधा जी की गली थोड़ी दूर है तो वहां जाकर कन्हैया कैसे, कैसे? अरे राधा की गलियों में आए आए, राधा की गलियों में आए आए, रंग बिरंगी चूड़ी लाए लाए, राधा की गलियों में आए 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 आए, रंग बिरंगी राधा के गलियों में आए 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 आए, रंग बिरंगी चूड़ी लाए लाए, धीरे से कान्हा ने पकड़ी कलाई, धीरे से कान्हा ने पकड़ी कलाई, पकड़ी कलाई देखो पकड़ी कलाई, और अरे राधा की गलियों में आए आए, और रंग बिरंगी चूड़ी लाए लाए, राधा की गलियों में आए 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 आए, रंग बिरंगी चूड़ी, राधा की गलियों में आए आए, राधा की बिरंगी चूड़ी लाए लाए, हरी बिलाए वो तो पीली बिलाए, हरी बिलाए वो तो पीली बिलाए, हरी बिलाए वो तो पीली बिलाए, पीली बिलाए काना नीली बिलाए, सभी तरह तरह की चूड़िया लेकर आए कन्हैया कैसे, कैसे? अरे राधा की, अरे राधा की, अरे राधा की गलियों में आए आए, रंग बिरंगी चूड़ी लाए लाए, राधा की गलियों में आए आए, रंग बिरंगी चूड़ी लाए लाए, राधा की गलियों में आए 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 आए, रंग बिरंगी चूड़ी लाए लाए, राधा की गलियों में आए आए, रंग बिरंगी चूड़ी लाए लाए। कभी राधा की एक सखी जिसका नाम विशाखा था, राधा जी से जाकर कहने लगी कि अरे राधिका जरा चलकर देखो, बड़ा ही मनिहारी अपने यहाँ आया है और इतनी अच्छी चूड़िया लेकर आया है कि आप भी कहोगे कि ऐसी मनिहारी कभी नहीं आई होगी। आज कहने लगी क्या राधा जी से, राधा जी की सखी, और चूड़ी वाले आ गए, और चूड़ी वाले आ गए, आज हमारी नगरी में वो चूड़ी वाले आ गए, और चूड़ी वाले आ गए, और जैसे जैसे अपने को पसंद थी ना वैसे वैसे कलर का और रंग भी लेकर आए हैं आज। अरे चूड़िया मन हमारे मन में जो है, अरे चूड़िया पहनाने वाले आ गए, वो चूड़ी वाले आ गए, 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 हे राधिका, अरे चूड़िया मन की, चूड़िया मन की, अरे चूड़िया मन की पहनाने वाले आ गए, 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 चूड़ी 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 वाले आ गए।
बनती अरे चूड़िया बनती पहनाने वाले और भैया हमारे बड़े ही अच्छे ढोलक कलाकार और हमारे सहपाठी हमारे राजा भाई बार से इनकी ओर से 251 रुपए की राशि हमारी मंडल को भेंट होती है। चक्र सुदर्शन भजन मंडल नए गांव के गायक कलाकार हमारे रामनाथ भैया इनकी ओर से भी मंडल को भेंट आती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो आज जैसे ही राधिका गई तो इधर वहां चूड़ियों को देखा तो कहने लगे मनिहारी रूपधारी कृष्ण वो चूड़ी रंग की मिलेगी हर रंग की मिलेगी रंग के मिलेगी हर रंग के मिलेगी चूड़ी रंग की मिलेगी और हर रंग की मिलेगी प्यारे भगवान श्री कृष्ण जो मनिहारी रूपधारी है कहने लगे क्या क्या वो चूड़ी रंग की मिलेगी हरे रंग की मिलेगी हरे रंग के मिलेगी हरे रंग के मिलेगी हरे रंग के मिलेगी हरे रंग के मिलेगी वो थोड़ी लाल मिलेगी थोड़ी नीली मिलेगी पूरे रंग की है वो थोड़ी लाल मिलेगी थोड़ी नीली मिलेगी अरे चूड़िया मन की पहनाने वाले आ गए चूड़िया मन की पहनाने वाले आ गए चूड़िया मन की पहनाने वाले आ गए चूड़िया मन की पहनाने वाले आ गए। आज कन्हैया किस प्रकार से हमारे परम सम्मानी बड़े भैया जो चूड़िया से यहाँ पधारे हैं और बड़े ही अच्छे गायक कलाकार हैं हमारे अन्नू भैया चूड़िया वाले इनकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को भेंट मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तभी वहाँ राधा जी की एक सखी बैठी थी और दूसरी सखी चूड़िया नहीं पहन रही थी तो इधर राधा जी कहने लगी कि क्या बात है तुम चूड़िया क्यों नहीं पहन रही हो तो इधर वह सखी कहने लगी ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं हो रहा है। तो आज सारी सखियां हंसी ठिठोली करते हुए कहने लगी कि पहन लो तुम्हारे साजन भी यह चूड़ी देखकर खुश हो जाएंगे। कैसे कैसे हो अरे पकड़े कलैया आज राधिका ने उस सखी का हाथ पकड़ा कि इन्हें जरूर चूड़ी पहनाओ। अरे पकड़े कलैया वो पहने हरी हरी चूड़िया हाँ पकड़े कलैया वो पहने हरी हरी चूड़िया अरे खुशी हो जाए तेरो बाल माँ पकड़े कलैया कन्हैया जी आइए भैया पुनः हमारे राजा बार से और हमारे रामनाथ भैया नए गांव वाले इनकी ओर से 201 रुपए की राशि हमारे ग्राम निवारण समिति के अध्यक्ष साहब
फगन सिंह जी काजले इनके द्वारा भी 51 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। हार्दिक धन्यवाद। अरे काना जी ऐसे चूड़ी कन्हैया जो मनिहारी रूपधारी है कहने लगे कि हे सखी आज मेरे रंग की चूड़ी पहनो, आपके जो पति देव है खुश हो जाएंगे। कैसे कैसे और खुश हो जाए तेरो बालवान। आज कन्हैया ने देखा कि राधा चूड़िया देख तो रही है पर पहन नहीं रही, तो इधर कन्हैया कहने लगे कि हे सखी आप क्यों शर्मिंदा हो, आज राधा जी को चूड़ी पहनाते हैं। राधा जी समझ जाती है कि ये कन्हैया हैं जो 16 सिंगार करके यहाँ पे आए हैं। कैसे कैसे और माथे पे बिंदिया और राधा जी ने देखा कि बड़ा ही अच्छा सुंदर श्रृंगार किया है मेरे कन्हैया ने और माथे पे बिंदिया हाथों में कंगन नर से नारी बने हैं मोहन। देखो आज मुझसे मिलने नारी का भी भेष धरकर मनिहारी का भेष धरकर आए हैं। कहने लगी राधिका क्या और साथ में अरे ओढ़ी है देखो चुनरिया वो कन्हैया दादाजी पहचान लेती है। अरे ओढ़ी है तुमने चुनरिया हो चूड़ी वाले कन्हैया। आज कहने लगी राधिका क्या अरे चूड़ी वाले कन्हैया चूड़ी वाले कन्हैया चूड़ी वाले कन्हैया चूड़ी वाले कन्हैया चूड़ी वाले राधिका कहने लगे कि अरे सावरे तुम इतना मुझसे प्रेम करते हो मुझे पता नहीं भैया। आयोजन समिति का आदेश हुआ था कि श्रृंगार रस हो और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति और रति का मतलब होता है प्रेम। आज इसी प्रेम के वश भगवान कन्हैया राधिका जी से मिलने चले गए। मिलाए मेरे सवरिया साथ मिलाए मेरे सवरिया
बोल रहे हैं। क्या बात है भैया, हमारे परशुराम भैया बड़ी देर बाद दिखे। कहते हैं भैया महफिल में सभी सब शान नहीं ला सकते, ऐसे हमारे परशुराम भैया है, देखना आप सब मंडल अच्छे से कार्यक्रम देगी, क्योंकि सुनने वाले विशेष श्रोता बैठे हमारे परशुराम भैया के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार। बहुत बहुत बधाई हो पवन भाई। तो आज राधिका कहने लगी क्या, अरे आए गयो काना पहनाए गयो री मुख रंग बिरंगी पहनाए गयो, आए गयो काना पहनाए गयो री मुख रंग बिरंगी पहनाए गयो, आए गयो काना पहनाए गयो री मुख रंग बिरंगी पहनाए गयो। और आज इधर कहते हैं कन्हैया क्या, प्यारी राधिका तुमने तो मुझे पहचान लिया, अरे हरी भी ले लो पीली भी ले लो, हरी भी ले लो पीली भी ले लो, हरी भी ले लो पीली भी ले लो, ये सारी चूड़ियां तुम्हारी है, अब मैं वापस लेके जाने वाला नहीं हूँ। जो मैं जिस प्रयोजन से आया था, आपसे मिलने आया था, वह मेरा प्रयोजन पूर्ण हुआ। आज कन्हैया जी कहने लगे क्या, अरे हरी भी ले लो पीली भी ले लो, हरी भी ले लो पीली भी ले लो, क्योंकि अरे लाल भी ले लो नीली भी ले लो, लाल भी ले लो नीली भी ले लो, लाल भी ले लो नीली भी ले लो, अरे आए गयो आए गयो आए गयो मुझको पहनाए गयो रियो काना चूड़ी पहनाए गयो रे, आए गयो मुझको पहनाए गयो रियो काना चूड़ी पहनाए गयो रे, आए गयो मुझको पहनाए गयो रियो काना चूड़ी पहनाए गयो रे। और भैया कथा का सार, श्रृंगार रस का सार, आज प्रेम वश होकर कन्हैया राधिका जी के लिए जो मनिहारी का रूप धर कर आए थे, उनका प्रयोजन सिद्ध हुआ। आज राधा और भगवान श्याम सुंदर मिले, यही कथा का अंजाम। तो इधर देखिए, जब कन्हैया जाने लगे तो रुक जाओ कन्हैया, अरे मानो समय समाप्त हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, इसके बाद